ये है हम जब हम अपने मन के वश में हैं, और ये है हम जब हमारा मन हमारे वश में है। पर कैसे? धैर्य रखो, मैं बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ दीक्षा राणा, बीए तृतीय वर्ष SAJN कॉलेज की छात्रा। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि जीवन जीने का एक पूरा मैनुअल है। जी हाँ, श्रीमद् भागवत गीता। तो गीता के 6वें अध्याय के 6वें श्लोक में इस रास्ते पर आने का मार्ग बताया गया है। आइए जानते हैं कैसे। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनाजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते तत्मै शत्रुवत। अर्थात जिसने अपने मन व इंद्रियों सहित अपना शरीर जीता हुआ है वो आप ही अपना मित्र है, और जिसके द्वारा अपने मन व इंद्रियों सहित अपना शरीर ना जीता गया वो आप ही अपना शत्रु है। इतिहास की छात्रा होने के नाते आपको बताना चाहूंगी कैसे इसी मन के काबू में ना आने पर दुर्योधन की जिद और धृतराष्ट्र के कमजोर मन ने महाभारत का युद्ध रच डाला। शिशुपाल, जिसे श्री कृष्ण ने 100 गलतियों की माफी का वचन दिया था, फिर भी अपने मन की कमजोरी के कारण अपने गलतियों का घड़ा भर बैठा और खुद ही बर्बाद हो गया। अलाउद्दीन खिलजी, हिटलर, मोहम्मद घोरी और न जाने कितने ऐसे लोग जो अपने मन पर काबू ना पाने की वजह से अपने साथ साथ और न जाने कितनों को ले डूबे। अब हम आपको एक ऐसा दृश्य दिखाएंगे जो सिर्फ तभी मुमकिन है जब हमारा मन हमारे काबू में होगा। अगर आपने अपने मन को इतने काबू में रख लिया है तो आपके लिए एक बोनस पॉइंट है। कोई मुझे धक्का मार के गिराने की कोशिश कर रहा था। चलो छोड़ो। 6वां अध्याय 15वां श्लोक। युञ्जनेव सदात्मानं योगी नियत मानसः शांति निर्वाण परमामं मत संस्थाम अधिगच्छति। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि जिसने अपने मन को जीत लिया, इसका मतलब अंत में उसने मुझे जीत लिया, मैं उसको प्राप्त होऊंगा, वो मुझे प्राप्त होएगा। इसका मतलब ये है जब हमने अपने मन को ही, अपनी इंद्रियों को ही जीत लिया तो हम भगवान जी को भी जीत सकते हैं। जो आपने अभी अंदर देखते ही हमारा मन ये हमें अनुशासित रहने से रोकता है, इसलिए हमें इसकी कभी नहीं सुननी चाहिए और हमेशा दिमाग को सुननी चाहिए।